गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कंडोम के बिना प्रेगनेंसी से कैसे बचे, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी विदाउट कंडोम। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 43 इयर्स से मैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करता हूँ और साथ साथ मैं UTI, IBS, BPH, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, वजाइनल इन्फेक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, डैंड्रफ का ट्रीटमेंट करता हूँ। आप हमारी एक्सपर्टीज जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को दबाइए या हमारी वेबसाइट drkapoor.in पे जाइए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी रिसर्च के बाद आपके लिए बनाई गई है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो गाइस जो मेल्स विदाउट कॉन्डम सेक्स करना चाहते हैं और प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं, उनको इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके, वो अपनी लाइफ को विदाउट कॉन्डम एंजॉय कर पाए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको 24 आवर्स में रिप्लाई मिल जाएगा। और साथ साथ यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम बात कर रहे थे कंडोम के बिना प्रेगनेंसी से कैसे बचे, हाउ टू अवॉइड प्रेगनेंसी विदाउट कॉन्डम। यहाँ पे मैं जरूर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अगर आप विदाउट कॉन्डम सेक्स करना चाहते हो तो आप दोनों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का टेस्ट करवा लेना चाहिए, दोनों को ये STI के टेस्ट होने चाहिए। अगर आपके टेस्ट नेगेटिव आते हैं तभी आप सेक्स विदाउट कॉन्डम कर सकते हैं, अदरवाइज एक दूसरे से ये इन्फेक्शन होने का 100% खतरा रहता है। एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज से लेके 30 डेज तक माना जाता है, यानी उसका महीना जो आता है 28 दिनों से 30 दिनों के बीच बीच में होता है। इन 28 दिनों में से 10वें दिन से लेके 14वें दिन तक ओवुलेशन होती है, उनकी ओवरी से अंडा बाहर निकलता है, या हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं उनकी अंडे दाने में से अंडा बाहर निकलता है, और अंडा निकलने के बाद फ्लोपियन ट्यूब में से होता हुआ बच्चे नली में आने तक तकरीबन 5 से 7 दिन लग जाते हैं, और 20 या 21वें दिन जब ये अंडा बच्चे नली में आ जाता है और मेल के स्पर्म बच्चे नली में पहुंच जाते हैं तो 100% चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। इसलिए 21वें दिन तक प्रेगनेंसी के 100% चांसेस बनते हैं। तो बात निकल के ये आई कि 10वें दिन से लेके 21वें दिन तक प्रेगनेंसी हो सकती है, 100% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेंसेस होने के पहले 7 दिन जब ये अंडा अंडे दाने से बाहर नहीं निकला होता तब आप विदाउट कॉन्डम सेक्स कर सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 21वें दिन तक अंडा अपने आप खत्म हो जाता है, और 21वें दिन से लेके 28वें दिन तक जब मेंसेस में आना होता है वो 7 दिन भी सेफ होते हैं, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो बात निकल के ये आती है कि विदाउट कॉन्डम अगर आप सेक्स करना चाहते हो तो आपके लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद में, 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंस्ट्रुअल आने के आप सेफ हो, आपकी पार्टनर को प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस आप सेफ हो, अगर आप विदाउट कॉन्डम सेक्स करते हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आपके साथ एक बोनस टिप की बात की थी। बोनस टिप ये है, वैसे तो आप कॉन्डम के बगैर 7 डेज बिफोर एंड आफ्टर टाइम में सेक्स कर सकते हो, आप 98% तक सेफ हो, मगर 2% चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी हो सकती है। आप ये मानकर चलिए कि आप 100% सेफ नहीं हो, यू आर ऑलवेज सेफ अप टू 98% इफ यू परफॉर्म सेक्स विदाउट कॉन्डम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you very much.